नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। आगे बात करेंगे चतरा की, जहां अनियंत्रित ट्रक पेड़ से जा टकराया, चालक की हुई मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी दिल्ली की, जहाँ दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में महान वीरांगना देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल उपस्थित रहे। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। रांची मुख्य पथ स्थित लमता जोगियाडीह के समीप शुक्रवार की सुबह अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकरा गया, जिससे चालक द्वारा शहर के आजाद नगर निवासी मोहम्मद हसमतुल्ला उर्फ हाशो ड्राइवर 45 वर्षीय की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह खाली ट्रक कोलबारी की ओर जा रहा था। इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर जोगियाडीह के पास पेड़ से जा टकराया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी पाकर परिजन व मोहल्ले के लोग घटनास्थल पर पहुंचकर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए, जहां कुछ देरी में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद काफी संख्या में लोग सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। लोगों का कहना था कि अगर अस्पताल में समय पर CPR करता तो चालक की जान बच सकती थी। सदर अस्पताल में डॉक्टर मरीज के बीच रहती है छुआछूत की भावना। बता दें कि अस्पताल में मरीज को देखे बिना चेकअप के मृत बता देते हैं। यहाँ का हाल बेहाल है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो वहीं डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने मरीज को BP, हार्ट बीट, पल्स सारी चेकअप किया, सारी रिपोर्ट नेगेटिव थी, कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली, मरीज की मौत हो चुकी थी। आज सुबह 6:30 में एक डेड बॉडी आया। नाम था हसमतुल्ला, उनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय मामतुल्ला, लगभग 42 वर्ष मेल, और ये डेड था, डेड बॉडी आया था, ब्लड डेड था। तो जैसे ही आया बॉडी, हम लोगों ने अपना जांच शुरू किया। जैसे जांच में BP, पल्स रेट हो गया, सेचुरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, पल्स हो गया, सब हमें फाइंडिंग्स में नेगेटिव मिला। तो फिर हमने उनको कहा कि ब्लड डेड, ये पेशेंट नहीं है, नहीं रहा, पेशेंट है ही नहीं, ब्लड डेड है, मतलब पहले से मरा हुआ है, लिगर मोर्टिस वगैरह से मरा हुआ है, लिगर मोर्टिस वगैरह भी था बॉडी में। तो फिर उन लोगों ने फिर ज़बरदस्ती फाइंडिंग्स, इतने सारे फाइंडिंग्स नेगेटिव मिलने के बाद भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती सीने की बात कही। हमने कहा कि नहीं है, पेशेंट नहीं है, इनमें से 5 फाइंडिंग्स है, सब नेगेटिव है, इनमें से अगर एक भी फाइंडिंग्स पॉजिटिव मिलता तो मैं CPR जरूर देता। फिर भी उनके CPR में भी कोई रिजल्ट नहीं आया, पेशेंट डेड ही था। तो यही बात था आज जी। ये निकले थे यहाँ से 4:30 बजे, तो जा रहे थे रांची, माल लेकर के जा रहे थे। तो माल के यहाँ पे हकुआ सीमा में यहाँ पे पेड़ से टकरा गए। इतने में क्या हुआ कि यहाँ पे हकुआ से टकराने में एक्सीडेंट कर गए, और एक्सीडेंट ऐसा किए कि पीछे में चोट आ गई और वहीं पर ही मृत्यु हो गई। आप इनके के लगते हैं? हम इनका चचेरा भाई लगते हैं, इनका नाम हसमतुल्ला हो गया। यह कहाँ जा रहे थे? ये रांची जा रहे थे, माल लेकर के जा रहे थे, पीछे माल लोड था और उसी के बीच में थोड़ा सा पेड़ से टकराया, उसके हिसाब से मृत्यु हो गई। ये 12 चक्का गाड़ी था, उसी में माल लेकर के जा रहे हैं, नहीं था गाड़ी भरा हुआ एक। क्या कैसे कैसे क्या असल बात, ये चले थे यहाँ से लगभग 4:30 बजे, तो ये लमटा के पास जोगियाडी के आसपास में ही कोई घटना हो गया, कोई लगता है गाड़ी वाला इनको चकमा दे दिया, बाएं साइड से एक्सीडेंट हो गया इनका। और यहाँ पे जब वहाँ से लाया गया, हम लोग को पता चला, तो हम लोग गए लाने के लिए,
तो वहाँ से नब्स इनका चल रहा था, यहाँ के लाने के बाद भी नब्स चल रहा था। यहाँ का डॉक्टर का लापरवाही ये रहा, जब हम बोले कि इसको देखिए तो कहते कह रहे तुम लोग हमसे ज़्यादा जान रहा है, एडिट कर गया, पहले ही बता रहे ना, ना छुए बढ़िया से और ना देखे हैं। यहाँ का विधि व्यवस्था इतना गंदा हो गया है कि कहा ही नहीं जा सकता है। डॉक्टर तो छूने से भी पेशेंट को इनकार करता है, ऐसा लगता है छुआछूत का बीमारी हो गया है, इस तरीके से कंडीशन कर रहा है। डायरेक्ट मृत घोषित कर दिए बिना देखे हुए, लोग बिना देखे हुए मृत घोषित कर देते हैं। पेशेंट में जान था लेके आए? हाँ, जब लेके आए थे तो उनका नब्ज चल रहा था, हम लोग जब वहाँ से निकलवाए थे तो उनका सू के देखे थे तो वहाँ चल रहा था, यहाँ लाने के बाद भी था। जब इनको बोले ना तो बोलते हैं कि अच्छा रुको ना देखते हैं ना, इन लोग को इतना कहानियाँ है कि जितना देर में उठेंगे अपना चेयर से फिर जाएंगे तो करेंगे, इतना देर में पेशेंट को फिर लास्ट में बोल दिया कि नहीं नहीं डेड कर गया। कहाँ जा रहे थे ये? जा रहे थे कुलवरी कहीं माल लोड करने के लिए, लोडिंग गाड़ी खाली सी इधर से जा रहे थे, अभी घर से चले थे आराम से, लगता है 4:30 बजे फ्रेश होके निकले थे यहाँ से। नाम है इनका मोहम्मद हसमतुल्ला, फादर सनेम है सवारगीय अताउल्ला नाम है, लैन मोहल्ला के रहने वाले हैं, ये आज़ाद नगर में भी घर बनाए हैं। आप कौन हैं? हम उनके बगल के हैं। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत, सीवर युक्त गंदे पानी की आपूर्ति और टैंकर माफियाओं को मिली छूट के खिलाफ बीजेपी ने आज दिल्ली सचिवालय के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, साथ ही लोकसभा उम्मीदवार नई दिल्ली बासुरी स्वराज मौजूद रहीं और दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते नजर आए। बहुत गंभीर बीमारी, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि उन्हें सच में झूठ बोलने की बहुत गंभीर बीमारी है। जितने टेस्ट उन्होंने बोले हैं मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूं, सिर्फ एक टेस्ट ऐसा है जिसके लिए रात की फास्टिंग चाहिए, वो करने के बाद सारे टेस्ट आधे दिन में खत्म हो जाएंगे और शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन बीमारी का बहाना बनाना, झूठी सहानुभूति लेना, तरह तरह के प्रपंच रखना, ये उनके स्वभाव में है, उनकी आदत है। और अगर इतने गंभीर बीमार थे तो फिर प्रचार कैसे कर रहे थे? उत्तर प्रदेश भी गए, दिल्ली में भी कर रहे, अब तो पंजाब में इतनी भीषण गर्मी में घूम रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे यूरिन में कुछ क्या कहा उन्होंने, कीटोन बढ़ गए हैं, और कीटोन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है जब आप गर्मी में घूमते हैं। तो मुझे तो लगता है कई बार ये खुद बीमारियों को आमंत्रित करते हैं ताकि किसी तरह से मेडिकल बोर्ड में मेरी बीमारी दिखाई जाए। लेकिन ठीक है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, अब सबको पता है कि उन्होंने कहाँ जाना है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी मेडिकल बोर्ड होता है, पूरी व्यवस्थाएं होती हैं दवाइयों की, और डॉक्टर इलाज करते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी उनकी चोरी, उनका भ्रष्टाचार, उनकी नाकामी, और दिल्ली का जो आज पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, उसका कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ये भी कहा है कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए मैं जेल जा रहा हूँ, इस बात का मुझे फक्र है। उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली को लूटा है, उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का काम किया था, उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने शराब की काली कमाई में दलाली खाई है, उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां दी हैं, उन्हें फक्र होना चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक में नकली फर्जी टेस्ट करा के उसमें से कमीशन और पैसा खाया है, उन्हें फर्क होना चाहिए कि शिक्षा क्रांति के नाम पे स्कूल के बच्चों के कमरे बनाने के नाम पे उन्होंने चोरी की है, उन्हें फक्र होना चाहिए कि कैसे पैनिक बटन घोटाला उन्होंने किया, उन्हें फक्र होना चाहिए कि कैसे दिल्ली जल बोर्ड को एक दीमक की तरह लूटने का काम उन्होंने किया। सर, दिल्ली की जनता वेट कर रही थी कि पानी पे सीएम केजरीवाल कुछ बोलेंगे, पर जो मैसेज था उसमें पानी का जिक्र आएगा नहीं, क्योंकि पानी के मामले में वो राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली अगर आज एक एक बूंद के लिए मेरी माताएं बहनें डब्बे लेकर सड़कों पर घूम रही हैं, वो दृश्य देखा नहीं जाता, उसके लिए कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल है। जल बोर्ड को लूट के खा गए वो। हरियाणा 1049 क्यूसेक पानी, में बार बार कह रहा हूँ, जो समझौता है उसके अनुरूप रोज दे रहा है, रोज मेरे पास डाटा है उसका, लेकिन रखरखाव नहीं है। 53% पानी बर्बादी होती है, चोरी होती है, उसका कोई हिसाब नहीं है, और बाकी पानी टैंकर माफिया के हाथ चढ़ जाता है। इनके विधायक पैसे लेकर पानी बेचने का काम कर रहे हैं। अब जो इन्होंने कहा कि एक कॉल कीजिए, टैंकर नहीं आएंगे, अगर 1000 टैंकर लगाए जाएंगे तो सिर्फ 100 या 200 टैंकर जाएंगे, बाकी 800 सिर्फ कागजों पर चलेंगे और उनकी पर्ची साइन होगी और पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी जेब में जाएगा। 200 लोगों की इन्होंने टीम बनाई कि जो निगरानी करेगी दिल्ली में पानी, कोई कार तो नहीं, धोरा कार, अच्छा है, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए,
लेकिन 2000 रुपए का जुर्माने के नाम पर वो 200 लोगों की टीम 1000 रुपए में मारने वाली करती रहेगी और वहाँ भी भ्रष्टाचार करेगी। ये अरविंद केजरीवाल का प्रशासन है। दिल्ली से सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। कल्याण पश्चिम के विधायक विश्वनाथ भोई ने केडीएमसी को नालों की सफाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए गुस्से में चेतावनी दी है कि अगर नालों की सफाई ठीक से नहीं की गई तो केडीएमसी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। नागरिकों ने विधायक भोई से शिकायत की कि मानसून के पहले शहरों में नालों की ठीक से सफाई नहीं हुई है। इसी पृष्ठभूमि में विधायक भोई ने आज कल्याण में प्रमुख नालों का निरीक्षण करते हुए केडीएमसी को ये चेतावनी दी है। मॉनिटरिंग करते फिरते आए पुनः 8 दिवस गाँव तसाच कचरा वाहून येतोय पण आम्ही परत सूचना दिलेल्या आहेत कॉन्ट्रॅक्टर्स लोकांना ह्या आठवड्यात पुन्हा एकदा सेकंड राऊंडने नाले सफाई करून घेऊ। नाल्यामध्ये आलाय जो गाळ वाहून आलाय तुम्ही बाजूला बघू शकता साहेब, तुम्ही अजूनही कचराचा काही पार्ट इथे ठेवलेला आहे ड्राय झालेला, उचलून घेतला होता, आता परत हा आलाय, या आठवड्यात परत क्लीन करून घेणार। काही काही कॉन्ट्रॅक्टरचं असंही असतं की एक पाऊस पडून गेल्यानंतर गाळ वाहून जाईल आणि मग नाही आम्ही स्वतः फिरत आहोत, मी स्वतः सगळीकडे फिरते आहे। एका दुसरं लोकेशन आता काल आम्ही याच लोकेशनला व्हिजिट केली, इथे काही ड्रेन्स आहेत छोटे नाले ते राहून गेलेले होते, ते लोक आमच्या लोकांनी केले नव्हते, तिथे सूचना दिल्या होत्या, आज तिथे मॅनपॉवरला साईडला त्यांनी पेनल्टी परत नाले सफाई अजिबात झाली नाही दिसत आहे, आमदारांनी देखील पाणी केली आहे, काय प्रतिक्रिया तुमची? साधारणतः या ज्या ठिकाणी आहे जरीमरी नाला हा साधारणतः 10 मे ते 17 मे 18 मेपर्यंत आम्ही प्रोक्लेन उतरवलं होतं। हा दरवरी वाहत येणारा गाळ हा पूर्ण आम्ही 6 महिने पावसाळ्याचे पूर्ण दिवस आम्ही साफ करतच राहणार आहे, ही कंटिन्युअस प्रोसेस आहे आणि माननीय आमदार साहेबांनी जे आम्हाला निर्देश दिले त्यांचं आम्ही तंतोतंत पालन करू आणि कठोर कारवाई जर आवश्यकता पडल्यास ठेकेदारांवर सुद्धा कठोर कारवाई करू। कधी करणार सर? काल कल्याणपूर्वी देखील हो आम्ही माननीय शहर अभियंता यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार 31 मे नंतर प्रत्येक जर जो नाला सफाई झाला नाही आहे त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करणार आम्ही करणार आहोत। सर आपण पाहतात का कशा प्रकारे या नालेसफाईची तुम्ही कुलकुल केली आहे, काय नाही? काही कल्याणच्या जागरूक नागरिकांनी मला या 2 नाल्यांचे फोटो पाठवले होते, त्याची शहनिशा करण्यासाठी मी इमर्जन्सी इथं आलो होतो, तर जे फोटो त्या नागरिकांनी पाठवले होते आणि त्यांनी सुचवलं होतं की ही नालेसफाई गेल्या वर्षी झालेली आहे की आता झालेली आहे, तर ते प्रत्यक्ष बघायचं होतं, ते आता बघितल्यावर तुम्ही पण माझ्या साक्षीला आहेत, ते बघितलं तर तिथे कुठली सफाई झालेली आहे असं वाटत नाही आहे, जसेच्या तसे नाले भरलेले आहेत, त्यामुळे आता आपले एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर इथे नवंगुळ साहेब आहेत, सिटी इंजिनियर मॅडम आहेत, त्यांच्यासमोरच मी सांगतो, गुरुवारी आपण पूर्ण नाल्यांची जेवढे नाले आपले मोठे नाले आहेत ते स्टार्ट ते एंड आपण पूर्ण नाल्यांची पाहणी करणार आहोत आणि त्याच्यात जर दिरंगाई आढळली किंवा जर ते नाले साफसफाई व्यवस्थित केले नसतील तर ठेकेदारावरती कारवाई करून त्याला ब्लॅकलिस्टमध्ये लगेचच्या लगेच, आणि जे ऑफिसर असतील हे लक्ष ठेवायला, जे डेप्युटी असतील, जे पण असतील, मग ते कोणी मोठे ऑफिसर असू दे, कारण हे प्रशासनाचं काम आहे, प्रशासनानं हे काम केलं पाहिजे, त्यांचं काम आहे, आपण जनतेचे लाखो करोडो रुपयाचं टेंडर काढतो आहे, मग हे ठेकेदार फक्त पोकलेन आणि जे सी बी उतरवणार, त्याचे फोटो काढणार, एका ठिकाणी गाळ साफ करणार, ते चकाचक फोटो पाठवणार आणि मग सांगणार की नाले सफाई झाली, हे बिलकुल चालणार नाही। स्टार्ट टू एंड नाले आपण बघणार गुरुवारी, तुमच्या साक्षीनेच बघणार आणि त्याच्यात जर काय गडबड आढळली तर मग अधिकारी आणि ठेकेदार यांची काय खैर नाही। मग दादा काही काही ठेकेदारांचं असं पण असतं की पावसा एक पाऊस आला तर त्याच्यामध्ये वाहून जातो सगळा कचरा आणि त्यांना पूर्ण मिळतं, हीच पद्धत इथं अवलंबिली जाते नाही, ते आता बंद केलं जाईल, त्यांचं बिल आता जोपर्यंत पावसाला अर्ध्यावरती येत नाही आणि जर त्याच्यामध्ये फॉल्टी आढळला तर त्याचं बिलच देता येणार नाही आणि देऊच नाही अशी प्रोसिजर मी करायला सांगतो आयुक्तांना, त्यांना ते बिलच भेटणार नाही, जोपर्यंत अर्धा पावसाला पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ठेकेदाराला कुठलंही बिल द्यायचं नाही आणि झालं काय प्रॉब्लेम झाला तर त्याच्या ह्याच्यातून ते पैसे वसूल करायचे, कारण ते जनतेचे पैसे आहेत, आपल्याला काय फुकट आलेले पैसे नाही, पब्लिकचे पैसे आहेत, ते पब्लिकचे पैसे आपण असे कोणालाही वाटत नाही सुटणार आपण।
ते पैसे थांबवलेच पाहिजे. जोपर्यंत पूर्ण पावसाळा संपत नाही तोपर्यंत अजिबात बिल द्यायचं नाही, किंवा त्याला जर द्यायचं असेल कामगारांसाठी तर अर्धं बिल द्यायचं, अर्धं बिल तसंच ठेवायचं. नाले सफाईचा आपला दौरा होता, अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराला सांगितलं नाही का आमदार पाणी दौरा करणार आहे, उपस्थित? आता ते अधिकाऱ्यांना विचारा तुम्ही. आता तो ठेकेदार कोण आहे ते त्यांनी सांगितलं मला, त्याचं मी बघतो गुरुवारी काय नाटक आहे, त्याचं मग दाखवतो त्याला माझं काय आहे ते. कल्याण से सीनियर संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट. सीहोर से है जहां वन विकास निगम के कर्मचारियों की मिली भगत से लगातार क्षेत्र में अतिक्रमण एवं वनों की कटाई हो रही है, क्योंकि यहां वन रक्षकों को भाजपा के नेताओं का संरक्षण है, जिसके चलते क्षेत्र में धड़ल्ले से सागौन के पेड़ों की कटाई की जा रही है. वहीं मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर MS डाबर वन मंडलाधिकारी सीहोर के निर्देशन एवं उप वन मंडलाधिकारी बुधनी के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी लाइकुई प्रकाश चंद्र उइके के द्वारा दल का गठन किया गया, जहां एक दर्जन करीब मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली पिकअप वाहन के साथ वन विकास निगम के मोगरा खेड़ा से आज सुबह आयशर ट्रक को पकड़ा गया. वाहन को चेक किए जाने पर 65 नग सागौन के लट्ठे पाए गए, जिनका अनुमानित मूल्य 1,50,000 रुपये तो वहीं वाहन का मूल्य 7,50,000 रुपये बताया जा रहा है. वहीं कुल 9,00,000 रुपये की राजस्व की जब्ती की गई है. पंजीबद्ध कर वाहन छोड़कर भागे अपराधियों की तलाश की जा रही है. कि श्रीमान वन मंडलाधिकारी महोदय के द्वारा हमको सूचना रात्रि करीब 12 बजे सूचना मिली है, और उन्हीं के निर्देश के पालन पर मेरे द्वारा रात्रि में ही टीम गठित की है हम लोगों ने, और हम लोगों ने रात्रि में घेराबंदी करी है, और करीबन तीन से चार के मध्य हमको एक वाहन उधर से आता हुआ दिखाई दिया, जो मतलब मोगरा सारस और मोगरा खड़ा रोड पे, और हमारा बना हुआ देख कर वहाँ पर वो वाहन छोड़ के भाग गए, फरार हो गए. कहाँ पे पकड़ा है? ये मोगरा खड़ा के पास. ये जो सागौन कटाई हुई है वो किसके जंगल की है? नहीं, अभी तो इसका तो जांच का विषय है, अभी कह नहीं सकते. लेकिन जहां आपने पकड़ी उधर तो पूरा वन विकास निगम है, आपका तो कोई एरिया नहीं है? एरिया नहीं है, ठीक है, लेकिन अब चूंकि निर्देश का पालन तो करना पड़ता है. करना ही पड़ेगा, लेकिन लकड़ी तो निगम के जंगल की है ना? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, जाँच का विषय है. सीहोर से सीनियर संवाददाता प्रेम राय की रिपोर्ट. फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.